नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आपने जो एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म भरा है, फॉर्म फिल किया है, उसका स्टेटस हम जानेंगे। कैसे स्टेटस जानेंगे? और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर कंटेंट नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है। तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड अगर शो हो रहा है तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड है क्या। दूसरी चीज, करेक्शन विंडो भी हम चेक करेंगे। करेक्शन विंडो अगर ओपन हो गई है तो कुछ लोगों के फॉर्म जिनमें मिस्टेक हो गई है, जो जानते हैं कि हमसे मिस्टेक हुई है, तो वो अपना करेक्शन भी कर पाएंगे। तो हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपके पास जो भी साधन अवेलेबल हो, अगर आपके पास फोन है तो फोन से चेक कर पाएंगे, अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप उससे भी चेक कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं अभी आपको पीसी में चेक करके बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में आना है या कोई भी ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हो उस ब्राउजर में आना है और गूगल को ओपन करना है। गूगल में आपको सिंपली लिखना है ssc.nic.in। ये ऑफिशियल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसको आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास, अभी ये साइट थोड़ा सा बिजी चल रही है, दिस रनिंग विंडो डेट नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। ओके, एक मिनट, दोबारा से हम इसको ओपन करेंगे या फिर से लिखेंगे हम ssc.nic.in। इसको हम लिखेंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको इधर देख रहे होंगे राइट साइड में ये लॉगिन का पोर्शन आ रहा है, ये आप देख रहे होंगे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर लॉगिन में आपको सबसे पहले यूजर नाम भरना है। यूजर नेम आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका यूजर नेम है, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। मैं भर देता हूं, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने भर दिया। यहाँ पर पासवर्ड, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो एक पासवर्ड आपको मिला होगा या क्रिएट किया होगा आपने, जो भी हो, तो उस पासवर्ड को आपको भरना है। तो ठीक है, मैं इस पासवर्ड को भर देता हूँ। जैसे ही आप पासवर्ड को भर के, आपको ये कैप्चा फिल करना है। जैसा ये कैप्चा है, स्मॉल में जो लेटर है स्मॉल में भरने हैं, जो कैपिटल है वो कैपिटल में भरने हैं, ठीक है। तो ये कैप्चा मैंने भर दिया है। उसके बाद इसको लॉगिन बटन पर प्रेस करेंगे। हमने लॉगिन प्रेस किया, आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ये आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, और यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन या रिजल्ट मार्क्स। रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई आप अभी भी कर पाएंगे और एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप चेक कर पाएंगे कि आपने कितने कौन कौन से फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं करना, तो हमें फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आना है। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर ही कॉन्स्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स CAPFS NISS राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन दिख रहा है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई का है, जो आप नहीं कर पाएंगे। प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट आप फॉर्म को कर पाएंगे अभी भी। पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये पेमेंट सॉरी एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कराएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करके आएगा, जिसमें टेबल है जिसमें रजिस्ट्रेशन, फोटो सिग्नेचर, अप्लाई फॉर्म, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में शो हो रहा है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस है आपका कंप्लीट है, लेकिन ब्रैकेट में दे रखा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड। इसको अभी मैं आगे बताऊंगा कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड है क्या। फोटो सिग्नेचर अपलोडेड दिखा रहा है, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट दिखा रहा है, फीस स्टेटस एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। फी एग्जेम्प्टेड का मतलब है, हो सकता है आपका फी एग्जेम्प्टेड ना शो कर रहा हो, आपकी फीस कंप्लीट दिखा रहा हो या फीस रिसीव्ड दिखा रहा हो। ये उन लोगों का फीस एग्जेम्प्टेड दिखाएगा जिनकी फीस माफ है, चाहे वो एससी एसटी कैटेगरी से हैं, जो भी रीजन है फीस एग्जेम्प्टेड का, वो उस उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड का ही ऑप्शन आएगा। फिर एप्लीकेशन स्टेटस है, एप्लीकेशन रिसीव कंटेंट नॉट वेरीफाइड। अब इसको हम समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेटस इन्होंने कहा कंप्लीट हो गया आपका, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं, अप्लाई फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो गया है, फीस आपकी छूट है ही, एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन भी रिसीव हो गया। लेकिन कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब है कि अभी इनके पास आपका फॉर्म तो रिसीव हो गया, लेकिन इन्होंने अभी कंटेंट को वेरीफाइड नहीं किया है कि यह फॉर्म ठीक है या गलत है। जैसे ही ये वेरीफाइड करेंगे,
जैसे ये वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद आपका अगर फॉर्म ठीक होगा तो यहाँ पर लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्सेप्टेड, ठीक है, मतलब कंप्लीट और वेरीफाइड, और फॉर्म स्टेटस मतलब आप एप्लीकेशन स्टेटस आपका एक्सेप्टेड। अगर किसी कारणवश आपका जो है कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका लिख के आएगा रिजेक्टेड, लेकिन उससे पहले करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। करेक्शन विंडो अभी तक ओपन नहीं हुई है तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, तो ये था कंटेंट नॉट वेरीफाइड का। इन्होंने अभी मतलब आपके फॉर्म को वेरीफाई किया नहीं है, आपके फॉर्म को जांचा नहीं है, ठीक, चेक नहीं किया है। जैसे ही चेक हो जाएगा तो कंटेंट वेरीफाइड लिख के आएगा और फिर रिजेक्ट एक्सेप्ट करके आपका जो भी आपका फॉर्म की मतलब स्थिति होगी, सिचुएशन होगी, वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये था आज की वीडियो। अगर आप वीडियो का आपको पसंद आई वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।